वेलकम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं एक ही क्रिएशन में आज बताएंगे हम सेकंड ट्यूटोरियल्स, जहां हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और टूल्स कहां यूज़ होता है, किस टाइम पे यूज़ होता है। अब नाउडेज आज के दिन में फ़ोटोशॉप इतना ट्रेंडिंग हो गया कि आप फ़ोटोशॉप में इजी फ़ोटोज़ बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये आ गए हम फ़ोटोशॉप में। एक न्यू फाइल ले लेंगे हम। फर्स्ट अप यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में आपका एक नाम डाल लीजिए, जैसे कि मैं डालता हूँ टूल्स, हाउ टू यूज टूल्स इन फोटोशॉप, फोटोशॉप। चलिए, अब आपको लेना है डिफ़ॉल्ट पेज ले लीजिए आप, इंटरनेशनल पेपर, ये आपका A4 साइज़ हो गया। यहाँ पे साइज़ डाल लीजिए आप, यहाँ से इंचेस, पिक्सल, मिलीमीटर, पॉइंट्स जो लेना है ले सकते हैं। फिर रेजोल्यूशन आपके ऊपर है, एज इट इज़ RGB CMYK जिसमें आप काम करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं, फर्स्ट ये आ गए। अब मूव टूल्स, तो मूव टूल का बता दिया आपसे। मूव टूल्स वो यू टूल्स है जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, और जब भी आप ध्यान रखेंगे नया बनाते वक्त आपको हर एक वन टाइम में न्यू ले लेना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, ओपन फाइल लेंगे, ये एक नहीं, फर्स्ट आपको बताता हूँ रेक्टेंगल टूल का यूज़ कहाँ होता है। एक आप न्यू ले लीजिए, ये आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। चूज़ कर लेने के बाद आपको दबाना है ऑल्ट बैक स्पेस, फिर आप इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दीजिए। ये फर्स्ट आपका यूज़ हो गया। यहीं से आप सिलेक्शन से कलर फिल्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रेक्टेंगल को ये लिया, ये आपको कर दिया ये रेक्टेंगल ले। अब आप इसको दूसरा कलर दे सकते हैं, जैसा येलो लीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस। अगर आपको ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड में फोर, अगर आपको फोरग्राउंड करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस मारिए, अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस मारिए। जैसा ये हो गया इसका यूज़। अब मैं जैसा कि आपको बोला था, न्यू लेयर जो भी ले लेते आप न्यू लेयर में काम करिए अलग अलग, सेपरेट। जैसा न्यू ले लीजिए, फिर से हम ऑल्ट बैक मारेंगे डी, ये देख सकते हैं आप। अब आ गए हम एक कौन सा टूल्स, लासो टूल्स कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स, आप जैसा भी ड्राइंग्स कर सकते हैं आप उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं ये हम जाएंगे, अब कंट्रोल जे मारिए आप, ये आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे आ जाता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल। अब हम आते हैं मेन टूल, ये भी सेम पेन टूल के वैसी से जैसा आप जैसा बना सकते हैं शेप बना के काट सकते हैं। अब ये आएंगे हम, जैसा मैं सेलेक्ट करता हूँ एक पिक्चर ले लेता हूँ मैं, जैसा कि कोई भी इमेज ले लिया हूँ, जैसा कि मैं ये इमेज ले लिया हूँ। जैसा कि मैं ये सिलेक्शन टूल ले लिया, अब यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है, ये सिलेक्शन करें आप, इसको पहले ओपन कर लीजिए, ये सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन मीन्स, मैं आपको बताता हूँ कैसा डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। पहले क्विक सिलेक्शन से हम सिलेक्शन ईजी, आप कोई भी इमेज कट करना है तो फर्स्ट आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं सिलेक्शन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसा आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, ऑल्ट पकड़ के माइनस करिए। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, प्लस करना है आप प्लस कर सकते हैं, अगर माइनस भी करना है तो माइनस कर सकते हैं। रुकिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट पकड़िए,
प्लस ये प्लस का सिंबल आ गया। अब आप उसको डिलीट मार दीजिए, मतलब मैं मार देता हूँ डिलीट। देख देख सकते हैं आप, कोई भी आप बैकग्राउंड, ये जस्ट सिलेक्शन टूल है, इससे आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है ये, बस आपको सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन जहाँ जहाँ करना है, जैसा कि मैं गाड़ी को करूँगी यहाँ तक कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट। अब हम सीखेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो आप जानते हैं कि क्रॉप टूल में क्या क्या होता है। जैसे मैं ये इमेज क्रॉप कर लेता हूँ, ये मेरी इमेज क्रॉप कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटर वाली देख सकते हैं आप। अब हम सीखेंगे क्रॉप टूल्स, नाइट टूल, स्लाइस टूल आपको कुछ यूज़ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको एक स्लाइस टूल का बता देता हूँ। ये स्लाइस टूल एक आप ये लिए, एक मिनट सॉरी, क्रॉप टूल में आ जाते हैं। स्लाइस टूल का ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपको। आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल से आप क्या कर सकते हैं मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक सिलेक्शन टू, एक रेक्टेंगल ले लीजिए, एक न्यू ले लीजिए। अब आई ड्रॉपर टूल यूज़ करिए, जैसा कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये कलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज होगा। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेड, ये रेड आया, आप ऑल्ट बैकस्पेस मार दीजिए, देख सकते हैं आप। आई ड्रॉपर टूल कलर सेलेक्ट करने के लिए, कौन सा भी आप ईजी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे का मैं आपको ब्रश टूल्स, टूल क्लोन स्टैम्प टूल्स और हिस्ट्री ब्रश टूल्स, और आपको इरेजर टूल्स बताऊंगा, ग्रेडियंट टूल्स, पेंट ब्रश टूल्स, डॉज ब्रश। अब डॉज ब्रश से क्या कर सकते हैं, पेंट टूल, पेंट टूल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंट टूल आपको, टेक्स्ट टूल्स का बताऊँगा, पास सेलेक्शन टूल्स, कस्टम शेप्स टूल्स, ये सब आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। आज तक बस आपको आई ड्रॉपर टूल्स तक। ओके गाइस, यू सुन, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।